सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर महबूबा मुफ्ती की पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में डील होने की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के सियासत में धुर विरोधी मानी जाने वाली एनसी और पीडीपी ने बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ आने का फैसला कर लिया है। आगे सूत्रों ने बताया कि तीनों दलों की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए अल्ताफ बुखारी के नाम पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि तीनों पार्टियों के नेता जल्द ही राज्यपाल सतपाल मलिक से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि तीनों पार्टी के नेता ने नीतिगत आधार पर गठबंधन करने का फैसला किया है। फिलहाल मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकता। आपको बताते चले कि पीडीपी के पास 28 विधायक हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 और कांग्रेस के पास 12 विधायक हैं। तीनों पार्टियों के विधायक को अगर जोड़ दें तो ये कुल मिलाकर 55 विधायक हो जाते हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 89 सीटें हैं। आपको बताते चले कि राज्य में पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद फिलहाल राज्यपाल शासन लागू है। आगामी 19 दिसंबर को राज्यपाल शासन की 6 महीने की मियाद पूरी हो रही है और इसे अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता।